तो मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता, आप देख रहे हैं मेरे चैनल को और इस पे हम पढ़ा रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंट केजी पब्लिकेशन से, केजी गुप्ता वाली। और चैप्टर चल रहा है इसमें 12, इसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ शेयर और इसका क्वेश्चन नंबर चलेगा 15। शिवानी पढ़ना। फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच शेयर टेकिंग 123 एज वेट फॉर 3 इयर्स। तो इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन से क्या अलग है ना, वेट दे रखा है। हां, शेयर कैपिटल बोलो। शेयर कैपिटल 10,000 शेयर ऑफ ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। छोटा ही क्वेश्चन है, छोटी वीडियो बनेगी, जल्दी हो जाएगा। तो इसको तो नहीं मिटाएंगे, इसको भी नहीं मिटाएंगे, मतलब इसको तो मिटा देंगे। हाँ, थोड़ी थोड़ी चीज़ हम ये उठा लेंगे ना, ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, जल्दी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 है ना, शेयर कैपिटल कितना गिवन है, 10,000 शेयर है। 10,000 शेयर एट द रेट रुपीज 10 ईच है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं लिखा कि 8 रुपए पेड अप, तो यहाँ पे 10 रुपए पेड अप माना जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न कितना है इसमें, 12% रेट दे रखा है और साथ में हमें वेट भी दे रखा है, डिविडेंड रेट भी दे रखा है अलग अलग। तो इसका एवरेज करने के लिए वही करेंगे। अब मैं यहाँ पे लिखूँ, इस साइड में लिखूँ, इधर लिख देता हूँ, ईयर डिविडेंड रेट और वेट और प्रोडक्ट, जैसे हम गुडविल में करते थे, ठीक है। ईयर हमें कभी गिवन है क्या, 2012, 2013 और 2014। अगर सिंपल होता, वेट नहीं होता, तो हम जोड़ के 3 से डिवाइड कर लेते हैं। अब वेटेड भी दे रखे, वेट दे रखा इसका 13, तो ये परसेंट हो गया 15% और 17%, ठीक है। वेट कितना, 1, 2, 3 मल्टीप्लाई करता हूँ इनका, तो 13 आ गया, 15 × 2 = 30 आ गया और 17 × 3 = 51। तो इसको टोटल करना है, इसको टोटल करना है ना। ये तो 6 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 94, 4 × 5 = 8, 1 बहुत बढ़िया। अब एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज निकालने के लिए 94/6 करना पड़ेगा, इस प्रोडक्ट को इससे टोटल वेट से डिवाइड कर देंगे। 6/7 कर लेते हैं ना, 15.67, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ शेयर का, रेट ऑफ डिविडेंड एक्सपेक्टेड इनटू पेड अप वैल्यू अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो डिविडेंड रेट है 15.67 है ना, इनटू पेड अप वैल्यू 10 मानेंगे क्योंकि अलग से कोई अलग से नहीं दे रखी है ना, अपॉन 12 लिखेंगे। तो इसका तो हो जाएगा 156.7/12, तो कितना है सॉल्व करेंगे पूरा, 13.058 है, तो 13.06 हो जाएगा, यहाँ से इधर बढ़ जाएगा ना। आंसर चेक करो, ठीक है। है ना आसान सा फॉर्मूला, इसलिए मैंने फॉर्मूले को बैठाया नहीं, जिससे आपको याद रहे कि वैल्यू पर शेयर कैसे निकालते हैं। तो कैसी लगी छोटी सी वीडियो है, कमेंट करके बताना। बाकी और क्वेश्चन होंगे, अगला क्वेश्चन होमवर्क दे रखा है, देखते हैं बच्चे करते नहीं करते, वरना हम कराएंगे। और जल्दी ही मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाएगी, पता नहीं ये वीडियो कब देखोगे आप। बाय बाय, सब्सक्राइब करो।